नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं एक न्यू नाश्ता लेके आई हूँ। ये देखिए, आज मैं सूजी का नाश्ता बनाऊँगी। तो सूजी के देखिए क्या नाश्ता बनाती हूँ, बहुत ही पसंद आएगा और कम ऑयल में बनाऊँगी एकदम। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये 1 कप सूजी इसमें डाल दिया है। 1 कप सूजी ले लिया है और साथ में ये देखिए कड़ी पत्ता, जीरा और ये देखिए कड़ी पत्ता है, ये जीरा है और ये हींग है और ये राई। और इधर मैंने कढ़ाई रखी हुई है, ये देखिए कढ़ाई। ये देखिए, इसमें 2 चम्मच कढ़ाई में ऑयल डाल दिया मैंने। ये देखिए, ये गर्म हो जाएगा, इसमें जीरा डाल दूंगी। ये हींग डाल दी, ये राई डाल दी, ये कड़ी पत्ता डाल दिया। जी थी तो उस पर 1.5 कप पानी डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको बॉयल होने देते हैं, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। और इसको देखिए चलाते रहेंगे इस तरह से, और इसका डो फॉर्म में ना आ जाए जब तक ये। सूजी है एकदम पानी में, देखिए फूल गई है। ये देखिए हो चुका है, गैस को ऑफ कर दिया मैंने। और इसको निकाल लेते हैं थाली में। ये देखिए, इसको निकाल के थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये 2 फॉर्म में कर दिया है मैं, ये जो सूजी थी ये। और अब इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने बॉल बना रही हूँ, तो मैं बॉल का शेप दूंगी। ये देखिए, उसको ठंडा ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का ठंडा करेंगे, ज़्यादा कर देंगे फिर बनेगा नहीं ये। इस तरह से मैं सारे बॉल इसके बना लूँगी। और इधर कढ़ाई रखी हुई है, उस पर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से सारे बॉल मैं अपने बना लूँगी। देखिए इस तरह से सारे बॉल बना के तैयार कर लूँगी। बन चुके हैं देखिए, तो इसको मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेती हूँ।
ये देखिए बन गए हैं, और ये थोड़े से फ्राई करना था वो मैंने कर लिया इसको, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बन गए हैं, ये हल्के से मैंने वो कर लिए हैं, और अब इधर मैं ये इसमें रिफाइंड ऑयल डालती हूँ और इसको थोड़ा फ्राई करती हूँ। इधर मैंने देखिए क्या लिया है, हरी मिर्च लिया है, लाल मिर्च लिए है, कड़ी पत्ता और राई फिर से लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने तिल लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये राई को डाल देती हूँ इसमें, और कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, और ये देखिए तिल भी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, डाल देते हैं इसमें। ये भी बहुत ही टेस्टी है ये बना है, और इसमें आप चाहें तो केचप डाल दीजिए, ना चाहे तो ना डालिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें केचप डाल देती हूँ। ये देखिए बन चुके हैं ये, और ये देखिए, और मैं इसको भी आपको प्लेट में रखकर दिखा देती हूँ फिटिंग करके। ये देखिए हमारा सूजी का नया नाश्ता तैयार हो गया है, सूजी बॉल है, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं ये, और इसको आप बना के रख सकते हो, कम ऑयल में बने हुए हैं और ज़्यादा टाइम भी इसको नहीं लगाया बनाने में। तो इसको आप भी बनाइएगा, इसको बना के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब चैनल ना किया हो तो, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कोई भी मेरा न्यू वीडियो हो आप तक पहुंच जाए, और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाया। और देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट, देखिए कुरकुरी, देखिए ये देखिए कितने सॉफ्ट भी हैं और बहुत क्रिस्पी भी हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो आपको भी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।